एक ऐसा सिरफिरा आशिक जो युवती से अक्सर छेड़खानी व एक तरफा प्यार करता था। परेशान मासूका ने अपने आशिक से शिकायत की तो प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छेड़खानी कर रहे युवक को रास्ते से हटाने के लिए घर बुलाकर शराब पिलाकर धारदार हथियार से कत्ल की वारदात को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गए। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कत्ल का खुलासा करते हुए आला कत्ल बरामद कर कातिलों को जेल भेजने की कवायद शुरू करती है। 24 अप्रैल की सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ बिजनौर के नजीबा बाद में 26 साल के युवक नंद किशोर की खून से सनी लाश मिली थी। पुलिस अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट गई थी। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कातिलों को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों कातिल अमन व विकास हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि मृतक नंद किशोर कातिल विकास की प्रेमिका से एक तरफा प्यार करता था, अक्सर चोरी छिपे युवती के साथ छेड़खानी करता था। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नंद किशोर की शिकायत की थी, जिसकी वजह से विकास ने अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर घर में बुलाकर नंद किशोर को पहले दोनों ने शराब पिलाई, बाद में सिर में धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया और लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से बोरी में भरकर नंद किशोर की लाश को सड़क किनारे फेंक कर कातिल आसानी से फरार हो गए थे। पुलिस से के अफसरों ने स्वाट सर्विलांस व अन्य पुलिस टीम ने दोनों कातिलों को मैं आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। 24 अप्रैल की सुबह 7 बजे नजीबाबाद थाना क्षेत्र में व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया था। डेड बॉडी की शिनाख्त नंद किशोर नामक एक युवक के रूप में हुई थी, जो कि काजीवाला ग्राम थाना नगीना क्षेत्र का रहने वाला था। इस ब्लाइंड मर्डर केस का देर रात्रि एसओजी टीम तथा नजीबाबाद थाने टीम ने खुलासा किया, जिसमें दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम अमन और विकास हैं, जो कि चचेरे भाई हैं। इनसे पूछताछ में तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मृतक अपने गांव की एक लड़की को स्टॉक करता था, जिस कारण उसकी पिता ने मृतक के विरुद्ध अगस्त 2022 में नगीना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें नगीना पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की थी। इस लड़की की दोस्ती विकास से थी और विकास और अमन दोनों ने प्लानिंग के तहत 23 अप्रैल की शाम को मृतक को अपने घर पे बुलाया था और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी थी। हत्या करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी को उन्होंने डंप कर दिया था। डेड बॉडी 24 अप्रैल की सुबह पुलिस को मिली थी। इनके पास से, अभियुक्त अमन और विकास के पास से आला कत्ल बरामद किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन मिला है तथा रक्त रंजित कपड़े मिले हैं, जो कि इन्होंने उस समय घटना के समय पहने हुए। इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए दोनों टीमों को मेरी ओर से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।